हाय फ्रेंड्स मैं रितु नागपाल देखिए एक और जो है हाफ स्वेटर बेबी हाफ स्वेटर लेकर आई हूँ आपके लिए देखेंगे आप इस तरीके का लुक है इसका ये आपके जो है एक से डेढ़ साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा हार्डली सेवेंटी ग्राम्स में जो है इसकी वूल लगी है इसमें बाकी आगे मैंने स्टेप बाई स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं बाकी आप इसे बना के गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम ये देखिए बर्नाट की बेबी स्पोर्ट्स वूल ली है मैंने इस तरीके का ये डबल शेडेड आती हैं और ये जो है आपकी 280 ग्राम का गोला है ये देखेंगे आप इसे मैं जो है नौ नंबर से बनाने जा रही हूँ बच्चे का एक स्वेटर है फरमाइश आई है तो देखिए किस तरीके से इसे बनाऊँगी मैं नौ नंबर की सिलाई लेनी है आपने अब नॉर्मल जैसे हम फंदे डालते हैं उसी तरीके से हम इसमें 40 फंदे पहले ये फ़्रंट बता रही हूँ फ्रंट के दोनों पार्ट एक जैसे बनेंगे आपका बस फ़र्क क्या होगा कि उसमें पट्टी एक साइड एक में एक साइड होगी और एक में दूसरी साइड होगी अब 40 फंदे हमने नॉर्मल डालने हैं जैसे हम डालते हैं इस तरीके से लिया आपने देखेंगे ये देखिए ये डबल किया और ऐसे इस तरीके से ये ये हम ऐसे 40 फंदे ऐसे डालेंगे देखिए ये किया बहुत ज़्यादा टाइट में डालिएगा ये देखिएगा इस तरीके से फोटी फंदे डालें अब आपने करना क्या है यहाँ पर हमने ये जो दो फंदे हैं ये समय उल्टी साइड पे हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो है लेफ्ट ये लेफ्ट साइड बना रही हूँ तो आपने ये और ये फंदा इन दोनों को आपने ऐसे इकट्ठे दोनों का दो का एक करना है ये देखिए ये दो का एक किया फिर धागे को ऐसे लपेटा क्योंकि हमने दो का एक किया एक फंदा बंद किया है और बाकी सारे फंदे हम उल्टे ऐसे बनाएंगे देखिए हो गया अब ये वाली साइड भी उल्टी फिलहाल तो मैं ऐसे एक बॉर्डर बना रही हूँ उल्टे उल्टे का और एक साइड में एज रख रही हूँ यानी कि जिस साइड मेरे को बॉर्डर रखना है उस साइड मैं इसका एक एज रख रही हूँ ताकि वो एक स्मूथ सी एजिंग बने अब यहाँ से भी जो है आपने उल्टा उल्टा ही बनाना है देखिएगा लास्ट में क्या करूँगी एज बनाने के लिए ये देखिए किया अब जो ये फंदा है धागा आगे करके इन दोनों को आपने ऐसे नॉर्मल इकट्ठा उतारना है पलट के वही इन दो को आपने दो का एक करना है इस तरीके से और फिर ऐसे धागा लपेटना है और फिर सारे फंदे उल्टे ये इसलिए कर रहे हैं कि एक स्मूथ एजिंग आई हमारे साइड में आ, बटन पट्टी में तो चलिए अभी इसमें बटन होल्स नहीं बनाने हैं तो ये फ्रंट के बता रही हूँ 40 स्टिचेस डाले हैं दोनों तरफ आपने 40 40 स्टिचेस डाल के इसी तरीके से जो है बनाते हुए जाना है फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एक साइड में अभी मैंने ये जो लेफ़्ट बता रही हूँ तो लास्ट में एजिंग का रखा है बटन पट्टी और दूसरे वाले साइड में मैं स्टार्टिंग में ही बटन पट्टी रखूँगी अब ये देखिएगा इस तरीके से बॉर्डर बना लिया है अब बॉर्डर बनाने के बाद मैंने तो देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि बारह लाइन्स का बॉर्डर बनाया है आप थोड़ा चौड़ा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं इस साइड इसकी जो है पट्टी डाली है ये मेरा लेफ्ट साइड है अब ये राइट साइड है इसमें देखिएगा आप यहाँ पे पट्टी डाली है एच डाली है क्योंकि ये साइड यहाँ पे पट्टी रहेगी और ये लास्ट में एच डाली है क्योंकि ये साइड यहाँ पे पट्टी रहेगी बस इतना ही फ़र्क है बाकी आपने दोनों फ्रंट के सेम बनाने हैं अब देखिए करना क्या है अब यहाँ पर मैंने ये पट्टी उल्टे उल्टे की बनाई है उसकी अब यहाँ से आप इस तरीके से सीधा बनाएंगे और लास्ट में हमने इसमें पट्टी रखनी है ये लाइन पूरी सीधी करेंगे और लास्ट में जो पट्टी हमने रखी है वो सात फंदों की पट्टी हम उल्टी बनाएंगे ये देखिएगा ये सात फंदे हैं इन्हें हमने ऐसे उल्टा बनाना है एक दो तीन चार पाँच और ये दो फंदे जैसे उतार रहे थे एज के लिए वैसे उतारेंगे पलट के इन दो को आपने ऐसे धोखा करना है इस तरीके से और फिर धागा ऐसे लपेटना है और ये सारी लाइन उल्टी जाएगी अब आपने ऐसे ही बनाना है ये सिर्फ सात फंदे जो है पट्टी के रहेंगे बाकी हमारे नॉर्मल एक सीधा एक उल्टी लाइन बनती हुई फिलहाल जाएगी ये देखिए देखिए इस तरीके से अब ये नॉर्मल ऐसे बनता हुआ जाएगा और ये साइड हमारी पट्टी का रहेगा ये मेरी लेफ्ट साइड है राइट से भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ये राइट साइड है देखेंगे बॉर्डर बना लिया उल्टे उल्टे का अब आपने यहाँ पे मैं क्या करती हूँ देखेंगे स्टार्टिंग में ही ध्यान से देखिएगा इन दो को एज के लिए दो का एक करती हूँ ये मेरा राइट साइड है और फिर धागे को ऐसे लपेट के इस तरीके से ये छः फंदे हमने आ, पांच फंदे हमने उसके बनाने हैं दो तो ये हो गए तीन चार पाँच छ सात ये सात फंदे हमने जो है पट्टी के रखने हैं धागा आगे करके ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं ये मेरा राइट साइड है ये बन गया अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी हमारी और एज के लिए आ, जो लास्ट के दो फंदे हैं वो उतरेंगे ये देखिएगा लास्ट में आ गए ये जो दो हैं ये हम ऐसे ही बिना बुने हुए उतारेंगे एज के लिए तो अब आपने यही दो लाइंस फिलहाल दोहराते हुए जानी है और दोनों तरफ का पार्ट जो है हमने आम होल तक बनाना है अब देखिए राइट साइड है तो इसे मैंने जो है सात इंच बना लिया आप देखेंगे सेवन इंचेस लॉन्ग बना लिया है सात इंच बना लिया अब किस तरीके से करूंगी राइट right साइड है ये मेरा अब ये बटन पट्टी तो जैसे बन रही थी इसे तो हम एग्जैक्टली सेम यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे ये देखिए ये ऐसे फिर आपके पांच फंदे अब यहां से देखेगा मैं किस तरीके से करूँगी जो यहाँ है क्योंकि यहां पे मेरे को Uh, जो है आम होल की पट्टी भी रखनी है देखिए कैसे करेंगे अब ये एक फंदा जो है मैं सीधा बनाऊंगी धागा अपनी तर, पीछे की तरफ एक उल्टा धागा आगे अब जो इन दोनों को है आपने ऐसे दो का एक करना है एक बार धागा पीछे एक उल्टा फिर इन दोनों को दो का एक करना है दो बार धागा पीछे फिर एक उल्टा फिर इन दोनों को दो का एक करेंगे तीन बार धागा पीछे एक उल्टा फिर धागा आगे इन दोनों को आपने दो का एक करना है ये देखेंगे आप एक दो तीन चार चार बार हो गया एक उल्टा धागा आगे इन दो को दो का एक करेंगे पाँच फिर धागा अपनी तरफ पीछे की तरफ और एक उल्टा धागा आगे दो का एक किया छः फिर धागा पीछे एक उल्टा धागा आगे दो का एक किया सात ये सात बार कर लिया फिर धागा पीछे एक उल्टा अगेन धागा आगे की तरफ और दो का एक किया आठ बार हो गया ये देखेंगे आप यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ अब यहाँ पे मुझे दो दो चार पाँच छः सात और एक ये फंदा जो है सीधा रखना है तो एक फंदा उल्टा ये हमने आठ बार किया एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अब ये आठ फंदे मेरे जो है आम होल के ऐसे उल्टे बनेंगे दो तीन चार पाँच धागा आगे की तरफ इन दो को उतारेंगे क्योंकि ये हमने अब एज बनानी है यहाँ पे हम आम होल शुरू कर रहे हैं फिर पलट के देखेगा ये दो फंदों को आपने उल्टे में दो का एक करना है धागा लपेटेंगे और इसके बाद ये फंदे तीन चार पाँच छ सात अब ये जो एक फंदा है और ये आठ ये आठ की आपने पट्टी रखी ये एक फंदा आपको उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा फिर एक सीधा, एक उल्टा 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 एक एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और ये आपका एक उल्टा और ये जो हमारे सात फंदे पट्टी के वो एज इट इज उल्टे बनेंगे तो देखिए इस तरीके से आया है अभी ये देखेंगे आप अब ये हमें फिलहाल ऐसे करते हुए जाना है आठ बार हमने यहाँ पे दो का एक किया यानी कि आठ फंदे कटा दिए देखिए फिर से पट्टी वही जैसे बना रहे थे आप एज के साथ वैसे ही बनेगी सात फंदों की और ये हमारा एक सीधा एक उल्टे का क्रम जाएगा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, उल्टा सीधा एक उल्टा सीधा एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा, एक उल्टा, सीधा एक उल्टा, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और ये जो हमारे आठ फंदे मैंने इस पट्टी के रखे हैं जो है ये आम होल है वो हम उल्टा बनाएंगे और एंड जिस तरीके से मैंने बताई exactly सेम वैसे ही करते हुए जाएंगे ये इस तरीके से उतारा ये देखिए अब यही चीज़ हम जो है इसमें दोहराते हुए फिलहाल जाएंगे अब देखिएगा ये वाला साइड जो इसका लेफ्ट साइड है वो भी सात इंच बन गया है सात इंच बनाने के बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमने आम होल की कटिंग करनी है तो ये तो हम यहाँ से उल्टा बनाएंगे तो आपने वही साइड पे जो मैं एज रख रही हूँ उसी तरीके से करना है ये इस तरीके से दो का एक किया फिर आपने ऐसे घुमाया दो हो गए तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फिर एक फंदा आपने सीधा बनाया एक उल्टा अब यहाँ से हम इन दो को दो का एक करेंगे तो आपने ऐसे करना है ये दो का एक फिर उल्टा बनाया फिर दो का एक किया दो फिर उल्टा बनाया फिर दो का एक किया तीन फिर उल्टा बनाया फिर दो का एक किया चार फिर उल्टा बनाया दो का एक किया पाँच फिर उल्टा बनाया दो का इक्या छः फिर एक उल्टा दो का इक्या सात फिर एक उल्टा और फिर दो का एक किया आठ आठ बार किया अब ये जो आप बटन पट्टी बना रहे थे वो तो वैसे ही बनानी है पर यहाँ पे हम हम बटन होल करेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये दो आपने ऐसे उतारे अब पलट के देखेगा क्या करना है अब यहाँ पे एज जिस तरीके से बताई थी वैसे ही बना रही हूँ फिर धागे को लपेटा एक और बनाया अब यहाँ पे मैं एक बटन होल डालूंगी तो आपने धागे को ऐसे लपेटना है और दो का एक कर देना है फिर ये सारे फंदे आपके दो दो चार पाँच छः सात सात फंदे उल्टे अब यहां से हमें देखना है कि एक सीधा एक उल्टे का क्रम है तो एक उल्टा एक सी था एक उल्टा एक सी था एक उल्टा एक एक सीधा एक उल्टा ये सारे अब आपने एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाना है जैसे हमने राइट साइड किया था उसी तरीके से लेफ्ट साइड भी आपने अब उतना ही ऊपर बनाते हुए जाना है उसके बाद बताती हूँ हम आगे क्या करेंगे देखेंगे ये हो गया अब ये आपका आठ फंदे आएंगे दो दो चार पाँच छः, सात आठ ये एक उल्टा और ये अब यहाँ पे जो ये फंदे हैं ये आठ फंदे पट्टी के रखे हैं ये उल्टे ही आपने बनाने हैं और एज हमने जिस तरीके से करनी है साइड पे ये दो फंदे बिना बुने हुए वैसे ही आप इन्हें उतारेंगे ऐसे ताकि साइड की एज आपकी अच्छी सी बनती हुई जाए ये देखिए अब ऐसे ही ये दो फंदे आपने वही ऐसे इस तरीके से किया फिर धागा लपेटा एंड देन ये फंदे आपने उल्टे बनाए और एक सीधे एक उल्टे का क्रम बनाया एक सी था एक उल्टा एक सी था एक उल्टा एक सी था एक उल्टा इस तरीके से किया आपने देखिए लास्ट ये आ गए अब ये पट्टी तो जैसे आपकी बन रही थी वैसे ही करनी है आपने और एक गैप में आप थोड़े से गैप में जो है इसमें बटन होल डालिए कहीं दिखा देती हूँ आपको बटन होल इसका ये देखिए ये डल गया इसका बटन होल ये देखिएगा इस तरीके से अब एक यहाँ डाला एक थोड़े गैप में और एक थोड़े गैप में इस तरीके से हम इसका बटन होल जो है डालेंगे बाकी फिलहाल हम यही करते हुए जाएंगे ये दोनों तो पटियाँ बनेगी साइड की और ये आपका एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाएंगे अब ये देखिएगा दस लाइनें इस तरीके से मैंने बनाई जैसे आपको बताया एग्जैक्टली exactly सेम दस लाइनें मैंने बनाई हैं अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस यहां पे करूँगी देखेंगे कैसे अब सारे हमने जिस तरीके से उल्टा बना रहे थे ये वैसे ही हम इसे बनाएंगे तो वही आपने ये ऐज तो आपने उसी तरीके से करनी है जैसे आप कर रहे थे और अब हम ये सारी लाइन उल्टी बनाएंगे तो कुछ लाइंस अब हमने इसे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी करते हुए जाना है देखिए इस तरीके से सिर्फ ये जो है आप ये देखेंगे ये उल्टे किए आपने सात फंदे अब ये सात फंदे उल्टे किए ये एक फंदा आप सीधा रखिएगा और ये वाले फंदे आपने उल्टे रखने हैं अब ये एक फंदा इन आठ उल्टे से पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये वाले फंदे उल्टे बनेंगे और एज दोनों तरफ से जैसे बन रही थी वैसे ही आपकी जो है बनते हुए जाएंगे ये देखिए ये अब पलट के वही एज बनाएंगे पहले साइड की फिर ये सारे फंदे आपने उल्टे बनाने अब ये दो लाइंस फ़िलहाल आप दोहराते हुए जाएंगे ये देखिएगा इस तरीके से अब ये दो लाइनें आप दोहराएंगे और दूसरे साइड भी हम पहले ये सीधा उल्टा करने के बाद इसी तरीके से करेंगे देखिए ऐसे फिलहाल ये दो लाइनें अब हम दोहराते हुए जाएंगे फिर गले की कटिंग कैसे करनी है वो बताती हो आपको अब ये देखिए चौदह लाइन्स मैंने इस तरीके से इसकी बना ली है एक दो तीन चार पाँच छः सात सात मीन्स चौदह लाइन्स फोर्टीन लाइन्स अब मुझे गले की कटिंग करनी है और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसे ऊपर तक जो है बढ़ाएंगे अब देखिए गले की कटिंग किस तरीके से करूँगी ये जो पट्टी है इसके साथ में ही हम गले की कटिंग करेंगे यहाँ पे हमने जो है दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये और पंद्रह पंद्रह फंदे इस तरीके से हम छोड़ेंगे और ये वाले फंदे हम बंद करेंगे अब एक लाइन में बंद करने हैं मुझे तो देखिएगा ये आपने कैसे बनाना है बंद कैसे करना है वो देखेंगे आप ये दो फंदे आपने इकट्ठे बनाए फिर एक फंदा बनाया ध्यान से देखेगा और फिर हमने ये वापस लिया अगेन ये बनाया और इसे और इसे ऐसे दो का एक दो तो फंदे हो गए फिर वापस लिया फिर इसे बनाया और इसे और इसे लिया तीन फिर वापस लिया फिर इसे बनाया और इन दोनों के लिया चार फिर वापस लिया इसे बनाया गी गी गी। इन दोनों को लिया पाँच फिर वापस लिया इसे बनाया इन दोनों को लिया छः वापस लिया इसे बनाया इन दोनों को दो का एक किया सात ये ऐसे बन रहा है फिर आपने वापस लिए दोनों फिर इसे बनाया इन दोनों को किया आठ फिर वापस लिया ये बनाया ये दोनों को लिया नौ ये लिया ये बनाया इन दोनों को लिया दस फिर लिया आपने इसे बनाया इन दोनों को लिया ग्यारह ये लिया दोनों वापस इसे बनाया इन दोनों को लिया बारह फिर वापस लिया इसे बनाया इन दोनों को लिया तेरह ये देखिए फिर वापस लिया फिर इसे बनाया इन दोनों को लिया चौदह अब बस आपने ये देखना है कि आपने अपने शोल्डर पे कितने उसके लिए बच्चे के लिए रखने हैं मेरे हिसाब से ये बहुत है ये जो है पट्टी एक दूसरे के ऊपर आएगी और ये है चौदह हो गए पंद्रह सोलह कर लेते हैं चौदह हो गए हैं देखेंगे ये लिया इसे बनाया इन दोनों को किया पंद्रह और फिर लिया फिर बनाया फिर किया सोलह ये सोलह फंदे जो हैं हमने इसमें इस तरीके से करते हुए जाने हैं। अब अब ये देखिए ये हमने सोलह फंदे बंद कर लिए अब वही उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है और साइड पे, दोनों साइड पे एड ज़रूर रखिएगा ये बनाया आपने देखिए उल्टे ये एक फंदा सी था एंड अगेन ये उल्टे और जिस तरीके से साइड्स की एज बना रहे थे वो आपने उसी तरीके से बनाते हुए जाने है देखिए ये उतारा अब पलट के ये बनाया फिर ये फिर ये सारे फंदे उल्टे और लास्ट में आपके ये दो फंदे बिना बुने हुए उतरेंगे देखिए जैसे एज बना रहे थे वही करेंगे अब इसे भी फिर वही इन दोनों को आपने दो का एक किया धागे को ऐसे लपेटा और ये सारे फंदे उल्टे अब यही आपने फिलहाल ऊपर तक करते हुए जो है जाना है आप ही देखेंगे देखिए कितना खूबसूरत सा इसका जो है नेक बंद हुआ इसी तरीके से कीजिएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत से से स्वेटर आपका बन जाएगा चलिए अब शोल्डर तक इसे इसी तरीके से बनाएंगे और सेकंड वाला पार्ट जो दूसरा इसका फ्रंट पार्ट है वो भी हमने एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से जो है करते हुए जाना है अब ये देखेगा लेफ्ट साइड है इसका लेफ्ट साइड में भी ये उतने ही दो दो चार पाँच छः सात यानी कि चौदह लाइन्स बना ली है एग्जैक्टली exactly सेम अब ये लाइन पूरी बनेगी और यहाँ पर हमने गले की कटिंग करनी है जहाँ पर पट्टी होती है तो देखेगा ये लाइन तो पहले हम ऐसे जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे ये एज बनाया आपने फिर आपने ये उल्टे बनाए ये आपने सीधा बनाया एक अगेन फिर सारे उल्टे ये देखिए कर लिया अब पलट के यहाँ से हमने जैसे उसमें सोलह फंदे बंद किए यहाँ से हमने सोलह फंदे बंद करने हैं पर यहाँ मैं उल्टे में करूंगी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उल्टी तरफ है अब आपने ये दो फंदे ऐसे बंद किए और इस एक फंदे को बनाया फिर हमने वापस लिया ऐसे ये देखेंगे अब इस फंदे को बनाया और ये और ये दो का एक किया ये दो फंदे हो गए फिर वापस लिया फिर इसे बनाया उल्टा इसे और इसे दो का एक किया तीन चार सारे फंदे ऐसे कीजिएगा पाँच और ये देखिए सोलह फंदे हो गए आपके अब जैसे बन रहा था वैसे ही बनाना है बस एज आपने साइड की रखनी है देखेंगे इसका देखिएगा गला इस तरीके से आया अब जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाते वैसे जाएंगे हम बस साइड्स में दोनों साइड्स में एज ज़रूर रखिएगा जो मैंने इसमें रखी है ऑलरेडी ये देखिए किया अब पलट दिया आपने अब आपने ये शोल्डर तक बनाते हुए जाना है इस तरीके से बंद हुआ है अब यहाँ पे एज जरूर रख रखिए रखिएगा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ये देखिए तो अब इसे शोल्डर तक हम कर देंगे पहले चलिए आ जाते हैं इसके बैक साइड पे बैक में देखेंगे मैंने यहाँ पे 66 फंदे डाले हैं 66 क्यों डाले हैं क्योंकि फ्रंट में मैंने 40 फंदे डाले हैं 40 में से 7 फंदे मैंने सात फंदे बॉर्डर के रखे हैं तो 33 होते हैं जब दोनों पार्ट सामने के 33 और 33 थ्री है तो उसका डबल जो है बैक में मैंने 66 फंदे डाले हैं अब 66 फंदे डालने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि 12 लाइंस जिस तरीके से फ्रंट में किया उसी तरीके से इसमें भी बॉर्डर बनाया बस इसमें हमने एज नहीं बनानी है क्योंकि ये बैक साइड है तो ये सिलेगा अब बॉर्डर बनाने के बाद आपने नॉर्मल सीधा इसे मैं एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की करती हुई जाऊंगी ये देखेंगे हमने बॉर्डर जो है उल्टे उल्टे का बनाया है लेकिन इसमें मैं अब एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी इस तरीके से बनाती हुई आम होल तक जाऊंगी ये देखेंगे ऐसे ये आपने एक लाइन पूरी सीधी फिर एक लाइन पूरी उल्टी इस तरीके से बनाते हुए जाना है ये देखिए कर लिया आपने ऐसे एक लाइन पूरी सीधी अब एक लाइन पूरी उल्टी इस तरीके से आप बनाते हुए जाएंगे अब इसे ऐसे ये उल्टा देखिए इसकी बैक साइड भी सात इंच बना ली है सेवन इंचेस हो गए हैं अब बैक साइड में भी कैसे करना है देख देखेंगे ये साइड में तो हमने एज बनाना है तो फिलहाल तो मैं इसे एक फंदा उतारूंगी और इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है एज बनाना है तो ये दो फंदे हम ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे धागे को लपेटेंगे तो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ये हमारे आम होल की कटिंग हो रही है तो दोनों साइड से आठ आठ फंदे जैसे फ्रंट में रखे हैं वैसे ही रखेंगे फिर इसके बाद आपने जो है इसमें फंदे कम करने हैं तो देखिएगा किस तरीके से अब यहाँ से फंदे कम करेंगे हम ये देखेंगे दो का एक, एक उल्टा दो का एक, एक उल्टा दो फंदों को आपने सीधा बनाया दो का एक किया फिर एक उल्टा अगेन दो फंदों को दो का एक किया फिर एक उल्टा दो का एक किया एक उल्टा दो का एक एक उल्टा दो का एक किया एक उल्टा लास्ट के आठ फंदों तक आपने ऐसे ही करना है दो का एक और उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाना है ये दो का एक किया एक उल्टा लास्ट में आपके पास यहाँ पे दो दो चार पाँच छः सात आठ यानी कि ये फंदा सी था अब ये वाले फंदे हमारे उल्टे आठ फंदे बनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और दो फंदे बिना बुने हुए उतरेंगे क्योंकि हमने ये एज बनानी है अब पलट के देख लीजिए ये दो फंदों को आपने ऐसे दो का एक किया एज बनाने के लिए धागे को लपेटा और फिर तीन चार पाँच छः सात और ये आठ ये बन गए अब यहाँ से हमने एक उल्टे एक सीधे का क्रम शुरू करना है एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से आप करते हुए जाएंगे और बैक साइड में जो है मैंने सोलह फंदे घटाए हैं फ्रंट में आठ फंदे घटाए थे बैक में सोलह फंदे घटाए हैं बाकी फ़िलहाल आपने अब ये इसी तरीके से करते हुए जाना है दोनों साइड की एज बनेगी बटन पट ये दोनों साइड की एज बनेगी पट्टी बनेगी और एक सीधे एक उल्टे का जो है बनता हुआ जाएगा अब फिलहाल आपने यही लाइंस दोहराते हुए जानी है जैसे फ्रंट किया था एग्जैक्टली exactly वही है यहाँ पे मैंने 16 फंदे कटाए हैं ये बॉर्डर पे आठ आठ फंदे रखे हैं और अब उसी तरीके से ऊपर एक सीधा एक उल्टे का ये बनाती हुई फिलहाल जाऊँगी और जैसे बैक में किया फ्रंट में किया है मैंने उसके बाद मैंने सीधी सीधी लाइनें बनाई हैं उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम इसे करते हुए जाऊंगी ऊपर हार्डली एक चार लाइनें रहने पर इसके गले की कटिंग करेंगे बाकी आप फ्रंट को देखकर इसे फॉलो कीजिएगा देखिएगा ये मैंने जो है पूरा कर लिया है ये अभी छः लाइनें बचे हैं पूरा करने में अब मैं इसमें जो है गले की कटिंग करूंगी और उसके बाद छः लाइनें बनाऊंगी तो गले की कटिंग के लिए जो है मैंने यहाँ पे अट्ठारह और दूसरे साइड अठारह रखने हैं और बाकी जो बीच में फंदे हैं वो हम बंद कर देंगे तो चलिए अब देखिए ये अठारह फंदे मैं बना लेती हूँ और उसके बाद सेंटर के फंदे बंद करेंगे फिर साइड के अठारह और देन छः लाइनें बनाने के बाद इसे हम फ्रंट के साथ जोड़ देंगे और ये सेंटर के फंदे हमने बंद करने हैं। हम बंद उसी तरीके से करूँगी धागा आगे करूँगी ये दो फंदे आप देखेंगे इस तरीके से एक बनाया इसको मैंने दो का एक किया फिर ये दो फंदे वापस लिए अगेन ये बनाया इसको दो का एक किया फिर वापस लिए ऐसे फिर इसे बनाया इनको दो का एक किया फिर वापस लिया फिर इसे बनाया इन दो को दो का एक किया वापस लिया ऐसे ही आपने सारे पंदे बैक के बंद करने हैं ये देखिएगा अब ये अठारह पंदे टोटल रह गए दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह इन्हें मैं जैसे हम बना रहे थे छः लाइनें वैसे ही जो है करनी है उल्टी बनानी है धागा अब पीछे की तरफ करके ये फंदे उल्टे बनेंगे ऐसे एक फंदा सीधा और ये उल्टे अब जिस तरीके से बन रहा था दोनों साइड एज बनाना है और छह लाइनें मैंने पूरी करनी है ये है एग्जैक्टली exactly सेम करना है ये एज बनाने के लिए आपने घुमा दिया और फिर ऐसे ये देखिए लास्ट लाइन है अब लास्ट लाइन में जब ये है ऐसे होता है तो यहाँ हम उसे उतारते नहीं हैं इस वाले फंदे को ऐसे बंद करेंगे और फिर इसको बंद करेंगे क्योंकि हमें अब ये शोल्डर के साथ जोड़ना है तो आप ये देखेंगे इस तरीके से छ लाइनें मेरी इस कटिंग के बाद एक दो तीन यानी कि छः लाइनें बन गई एग्जैक्टली सेम इसी इस, इसी तरीके से इस तरफ भी ऐसे ही बनाऊंगी एक लाइन ये है अब दूसरी फिर तीसरी यानी कि एक लाइन तो ये बन गई है पांच लाइनें और बनाऊंगी और फिर इसको शोल्डर के साथ सुई के साथ जोड़ जोड़ दूंगी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बताया हुआ है कि आप जो है सुई के साथ किस तरीके से गाटर स्टिच जोड़ सकते हैं अब ये देखिए इस साइड का तो मैंने इसे जोड़ दिया है आप ये देखेंगे देखिए इस तरीके से और यहाँ पे ये सिल भी लिया है एक साइड का मैं आपको बता देती हूँ बाकी सिलना तो आप अपने हिसाब से है जोड़ना कैसे है मैंने सुई से जोड़ा है इसीलिए इस साइड का एक बार आपको बता देती हूँ वैसे मेरे चैनल पर मैंने बताया हुआ है कि गाटर स्टिच को आप सुई से कैसे सिल सकते हैं यानी कि दो पार्ट्स को आप कैसे जोड़ सकते हैं आप देखिएगा इस तरीके से है ये ये फ्रंट पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है ऐसे पकड़ना है आपने ऐसे ये पकड़ा अब ये वाला ऐसे डालिएगा इस तरीके से और दूसरे बैक वाले में भी ऐसे डालेंगे अब देखिए करना कैसे है पहले वाले में डाला उतार दिया दूसरे में डाला निकाला अब ये जो बैक है इसमें आपने यहाँ से डालना है ऐसे ये डाला इसको उतार दिया और इस वाले में आपने ऐसे डालना है ये देखेंगे ये देखिए फिर वही पहले वाले को ऐसे उतारा और इस वाले में डाला और धागे को खींच लिया अब सेकंड वाले पीछे वाले को ऐसे उतारा और इसमें ऐसे डाला बहुत आसान है और बहुत इजीली सिल जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है आप एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे जरा देख कर ध्यान से समझ के तो बहुत ही ईजी है और बहुत क्लीन होता है बेसिकली इतनी सफाई से हो रही है कि आप जब उससे नीडल से करते हो जो सलाइयाँ हैं उससे करते हो तो वो इतनी सफाई नहीं आती अंदर से उभरा हुआ आता है बट इसमें कहीं भी आप ये देखेंगे ये देखिए कहीं भी आपको कुछ नहीं दिखता है अब वही पहले वाले को फ्रंट साइड वाले को आपने ऐसे उतारना है और इसमें से आपने ऐसे डालना है एंड बैक वाले को ऐसे उतारेंगे और ऐसे डालेंगे ये और इस चीज का बस ध्यान रखिएगा कि जब आप ये धागा खींचेंगे तो बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए बस इस चीज का ध्यान रखते हुए आपने ये सारे फंदे अब ऐसे ही बंद करने हैं देखिए ये ऐसे बहुत आसान है और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये देखिएगा ये ये, ये।, ये। देखिए कितने आसानी से और कितनी जो है जल्दी होता है ये अब ये जो सीधा आएगा उसे बताती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है क्योंकि इसमें एक फंदा मेरा सीधा है उसे कैसे करेंगे वो भी दिखाती हूँ आपको यहाँ पे ये हो गया बैक वाला ऐसे हो गया अब यहाँ पे एक चीज़ देखेगा ये वाला फंदा मेरा सीधा है तो मैं क्या करूँगी देखेंगे इसे तो ऐसे ही उतारूंगी और इसमें जो है ऐसे ही डालूंगी इस तरीके से ये डाला ये उतारा ऐसे खींचा अब बैक साइड से ये सेकेंड वाला फंदा सीधा है तो इसे तो ऐसे उतारूंगी देखेगा और इसमें जो सुई डालूंगी ध्यान से देखिएगा वो ऐसे डालूंगी क्योंकि ये सीधा फंदा है ऐसे डाला इस तरीके से अब ये सीधा फंदा है तो इसे ऐसे, ऐसे उतारूंगी और इसमें से ऐसे डालूंगी और ये जो सीधा फंदा है यहां पे ये सीधा है इसे मैं ऐसे उतारूंगी और फिर ऐसे डालूंगी तो क्या होगा कि वो सीधा ही आएगा उसमें उल्टी जो है वो नहीं आएगी ये देखेंगे आप ये देखें ये जुड़ गया तो इस तरीके से आपने करना है बाकी तो बहुत ईजी वे में है ये पूरी ऐसे लाइन आपने आप बंद करनी है इस तरीके से और फिर आपने इसका साइड जो है सिल लेना है अब ये जो लास्ट में बच जाता है उतारना आपने इस वाले को ऐसे ही है और इस वाले को ऐसे ये ये देखिए ये हो गया ये देखिएगा ये देखिए एग्जैक्टली बंद हुआ अब आपने जस्ट इसको यहाँ पे जो है ऐसे सिल लेना है थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के इसे टाइट करके पीछे से बैक से सिल लेंगे ये देखेंगे आप ये बैक में देखिए कहीं भी नहीं पता चलता है कि आपने किस तरीके से इसे जो है सिला है तो आप ऐसे किसी को भी किसी भी उसमें सिल सकते हैं ये देखिए अब देखिए इस तरीके से आपने जब ये सिल लिया दोनों साइड से अब ये आपने जस्ट इसे इस तरीके से सिलना है अब चाहे आप उल्टा करके सिलिए या मैट्रेस सिलाई से सीधा करके सिलिए ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है आप ये देखेंगे मैंने यहाँ इस साइड पे सिल लिया है ये देखेंगे अब आपने इस साइड भी ये ही ऐसे ही आपने सिलना है इसे सुई में धागा डालिएगा और ये आपस में इस तरीके से यहाँ से लेकर ये जो हमने आम होल शुरू किया था ये यहां तक आपने इसे सिल लेना है और उसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे अब ये देखिएगा इस तरीके से बन गया अब आपने जस्ट इसमें तीन बटन्स ऐसे लगाने हैं नीचे की तरफ बटन लगाइएगा ऐसे बटन लगा के आपका ये बच्चे का हाफ स्वेटर तैयार हो जाएगा तो अब आपने ये देखना है कि कहाँ पे बटन लगेगा इस तरीके से रखे ये देखेंगे ये दे रखा मैंने अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस वाले लाइन पे ये बटन लगेगा ये देखिए यहाँ पे रखा और बैक से मैंने इसे इस टाल के बना दिया इसी तरीके से आपने तीनों बटन लगाने हैं और आपका स्वेटर बच्चे का तैयार हो जाएगा